दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। 4:30 बजे उन्होंने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर इस्तीफा दिया। इसी के साथ ही उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके बता दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिस पर भरोसा हो उसे मुख्यमंत्री बना दे। अपने इस्तीफा देने के कारणों को लेकर उन्होंने कहा, 2 महीने में यह तीसरी बार है जब कांग्रेस विधायकों की दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। यानी मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा या मैं चला नहीं सका, लेकिन इस बात से मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जिसे चाहो मुख्यमंत्री बनाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि उनके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा, जिस पर पार्टी को भरोसा होगा उसे सीएम बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह अभी कांग्रेस में ही है और भविष्य की राजनीति को लेकर आने वाले समय में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से बात करूंगा जो 52 सालों की राजनीति और 9 साल के सीएम कार्यकाल के दौरान उनके साथ रहे। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया तो वही दूसरी ओर शाम 5 बजे विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। माना जा रहा है कि इसमें विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। कैप्टन के इस्तीफे के बाद से पंजाब कांग्रेस में एक बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज विधायक इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील खाकड़ का नाम अगले सीएम पद के लिए दिया जा सकता है। बाकी दोस्तों अब देखने की बात यह रहेगी कि आखिरकार सोनिया गांधी पंजाब का मुख्यमंत्री किसे बनाती है। आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।